दुश्मन के बारे में कम से कम इतना तो पता होता है कि उससे हमारी लड़ाई है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही काम करेंगे, लेकिन किसी सरकार या उसके मुखिया के लिए सबसे कठिन और मुश्किल काम अपने ही बीच छिपे गद्दारों का पता लगा पाना है, क्योंकि ये गद्दार किस हद तक जा सकते हैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस टीमें ऐसे लोगों का पता लगाने में जुटी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सभी गद्दारों का पता लगा सके। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी SBU ने ऐसे दो गद्दारों को गिरफ्तार किया है। ये गद्दार एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ही निपटाने की योजना बना रहे थे। जेलेंस्की के अलावा इनके निशाने पर SBU प्रमुख वासिली मालुक और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव सहित कुछ अन्य टॉप लेवल के सरकारी और सैन्य अधिकारी थे। गिरफ्तार किए गए एजेंट जेलेंस्की सहित अन्य सभी लोगों की हत्या की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। SBU का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग एक नेटवर्क के एजेंट थे। एजेंसी के मुताबिक इस नेटवर्क को रूस से ऑपरेट किया जा रहा था। ये एजेंट जेलेंस्की और अन्य सरकारी अधिकारियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले के इरादे से उनकी निगरानी कर रहे थे। इन पर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों की जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें प्रसारित करने का आरोप था। SBU प्रमुख मल्युक ने एक बयान में खुलासा किया कि कुछ अधिकारियों की हत्याएं 5 मई को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर से पहले ही होने वाली थी और मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह पर पुतिन को उपहार देने के रूप में जेलेंस्की की हत्या की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार किए गए इन दोनों पर देशद्रोह और आतंकी हमले की योजना का आरोप लगाया गया है और अब उन्हें आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। इस ताजे खुलासे से पहले SBU ने पिछले महीने दावा किया था कि पोलैंड में एक संदिग्ध पोलिश हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में रूसी जासूसों को जानकारी भेज रहा था, जिसका लक्ष्य भी यात्रा के दौरान जेलेंस्की की हत्या करना था। इस मामले में पोलिश अधिकारियों ने बाद में कहा था कि उन्होंने पावेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उस पर पोलैंड गणराज्य के खिलाफ विदेशी खुफिया जानकारी के लिए काम करने का आरोप लगाया गया था। जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों की हत्या की साजिश के आरोप पर रूस ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि पोलैंड की घटना से संकेत मिलता है कि यूक्रेन के पश्चिमी समर्थक जेलेंस्की से छुटकारा पाना चाह रहे थे। उन्होंने पोलैंड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस बात का पहला सबूत है कि पश्चिम में लोगों ने जेलेंस्की को खत्म करने का फैसला ले लिया है। इधर पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की माने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च 2022 में उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि मॉस्को जेलेंस्की को नहीं मारेगा। फिलहाल पुतिन के शपथ ग्रहण पर उनको उपहार में जेलेंस्की की मौत का तोहफा देने के प्लान को SBU ने ध्वस्त कर दिया है और इस खुलासे के बाद यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति को बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है।